आप अगर सिर्फ गूगल कीजिएगा जाके घर के टॉप सेलिब्रिटीज हु कमिटेड सुसाइड इन द पास्ट 100 इयर्स, 72 पेजेस की लिस्ट मिलेगी आपको, 72 पेजेस की। क्यों इतनी बेसरूनी बेचैनी है? उसकी वजह पता है क्या है? मैं एक स्टेटमेंट बताता हूँ आपको और उस पर एक्सप्लेन करता हूँ, और उसकी वजह यह है कि जिक्र अल्लाह ताला के जिक्र में ना अल्लाह अल्लाह का मतलब पता क्या है? आगाह हो जाओ, एक अनाउंसमेंट आने लगी है, जान लो, खबरदार। बिज़िक्रिल्लाह तत्मईनुल क़ुलूब, कि अल्लाह की याद नहीं दिलों का सुकून और किसी चीज़ में नहीं है, ढूंढते रहो, जान ढूंढ सकते हो। और उसकी वजह बताता हूँ आपको, हम इंसान है ना, हम किन चीज़ों से बने हैं? एक बॉडी से, एक सोल से। ये जो हमारी बॉडी है ये कहाँ से आई है? मिट्टी से। और इसकी तमाम ज़रूरियात का बंदोबस्त अल्लाह ने कहाँ से किया है? मिट्टी से। आप देख लें जो चीज़, ये लकड़ी देखें ज़मीन से निकली है, प्लास्टिक देखें ये पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है जो कि मिट्टी से आया है, आप हमारा खाना पीना देख लें, आप सब कुछ देख लें, ये सब कुछ मिट्टी से पैदा है। अल्लाह ने जो हमें जिस्म दिया ना, इसकी तमाम खुराक का बंदोबस्त मिट्टी से किया, जहाँ से पैदा किया। रूह कहाँ से आई है? आसमान से। और इसकी खुराक का बंदोबस्त कहाँ से किया है? जो कि अल्लाह ताला का दीन है, जो कि अल्लाह का दीन है। और जिक्र का मतलब सिर्फ अल्लाह अकबर नहीं है, वाकी में सलात अली जिक्री, नमाज पढ़ में जिक्र के लिए। इन नहनजल जिक्र व इन लहुल हाफिजून, हमने जिक्र को नाजिल किया, कुरान हदीस ये जिक्र है, तो अल्लाह ताला के दीन जिक्र है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये जो और जो नॉन मुस्लिम्स जो मरे लोग क्यों खुश नहीं हैं? हम अपनी बॉडी को फीड करते हैं, अपनी बॉडी को सुकून राहत पहुँचाते हैं। गर्मी लग रही है, एसी ऑन कर दिया, सुकून में आ गए। भूख लग रही है, खाना खा लिया। प्यास लग रही है, पानी पी लिया। फिजिकल नीड्स है, वाइब से पूरी कर ली, सुकून पहुँचा दी। हम अपनी जिस्म को फीड, जब हम बेचैन होते हैं ना अंदर से, तो बेसिकली जिस्म प्रॉब्लम में नहीं है, ठंड है, एसी है, सब कुछ कंफर्टेबल है, रूह बेचैन हो रही है। अब रूह को फीड करना है, लेकिन लोग क्या करते हैं? चलो जी रिटेल थेरेपी, रिटेल थेरेपी का नाम सुना है? इट्स अ थेरेपी टू मेक यू हैप्पी। रिटेल थेरेपी, जाओ शॉपिंग कर लो जी, पीपल से जाए शॉपिंग करें, चलो जी आओ मैकडॉनल्ड्स का हैप्पी मील खाते हैं। देयर इज अ रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड अ हैप्पी मील, इट माइट मेक यू हैप्पी। आओ खाना खाते हैं। हम रूह को खुश करने के लिए भी बॉडी को फीड कर रहे हैं। रूह अभी तक प्यासी है, अभी तक तड़प रही है, उसको चाहिए कि मेरा रब से मैं बातें करना चाहती हूँ, मैं अपने रब से ताल्लुक कनेक्ट करना चाहती हूँ, वो मिल रहा कुछ नहीं है। हम क्या कर रहे होते हैं? हम अपने आप को इसी तरह से सुला रहे होते हैं। और किस तरह सुलाते हैं हम लोग? म्यूज़िक सुन के, मूवीज़ देख के, दोस्तों के साथ घूम फिर के। लेकिन जब भी अकेले होते हैं रात को सोने लगते हैं, बेचैनी बेसकूनी, अकेले होते हैं तो एक बेचैनी, इसलिए अकेले रहने नहीं जाते। और कहते हैं बस हर वक्त दोस्तों में घिरे रहें, हर वक्त दोस्तों में रहें, हर वक्त कुछ करते रहें, क्योंकि बेचैनी इतनी बढ़ गई है। मसला क्या है कि रूह प्यासी है, उसको उसके रब से ताल्लुक चाहिए, अल्लाह ताला से बात करना चाहती है। दुआ करें, जिक्र अजकार करें, नमाजों की तरफ मस्जिद में जाके पढ़ें। ये सुकून है जो हर इंसान, ये मिलियन डॉलर एडवाइस है जो कि लोगों को नहीं पता इस बात का, ये है असल सुकून और चैन के रास्ते।